अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, वहीं राजस्थान में बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि बीजेपी के साथ साथ इस चुनाव में कांग्रेस को भी झटका लगा है और मिजोरम में सत्ता से दूर जाती दिखाई दे रही है। यही नहीं, उनके मुख्यमंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो वहां चंद्रशेखर राव की टीआरएस अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा चुनाव के अनुमान को देखते हुए अन्य पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने बीएसपी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, लेकिन बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने विधायकों को फाइनल नतीजे आने तक दिल्ली बुला लिया है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। फिलहाल फाइनल नतीजों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज डेस्क।